बिगफुट फायर ट्रक। एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था जिसका कोई नहीं था। इस कारण वो सबकी मदद करता, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान। उसी गांव में गज्जू नाम का एक बहुत ही अमीर और घमंडी आदमी भी रहता था, जिसके पास दुनिया भर का महंगे से महंगे गाड़ियों का कलेक्शन था। अगर कोई भी नई गाड़ी दिखती तो वो उसे खरीद लेता था। एक दिन सुरेश जंगल से जा रहा था कि तभी आसमान से एक आग का गोला गिरता है और जोरों से धमाका होता है, जिस वजह से सुरेश बहुत डर जाता है और भागने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हेल्प हेल्प। फिर सुरेश वहां जाकर देखता है, वहां एक रोबोट जैसा कुछ पड़ा हुआ रहता है, जिसे देख वो डर जाता है। वो रोबोट कहता है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कोई हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर के पास ले चलो। पर आप है कौन? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ले चलो। सुरेश सोचता है, इसे ऐसे तो नहीं ले जा सकता, इसको छुपा कर ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो सब देख के डर जाएंगे। जिस वजह से फिर सुरेश एक बैलगाड़ी का इंतजाम करके उस रोबोट को अपने गांव के ट्रांसफार्मर के पास ले जाता है, जिससे वो रोबोट अपने आप को चार्ज करता है। और फिर सुरेश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। पर आप है कौन और यहाँ कैसे आए? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, हमारे ग्रह पे दूसरे ग्रह से आए हुए बहुत बड़े बड़े रोबोट्स ने हमला कर दिया है, जिससे पूरा ग्रह तबाह हो गया है। हम जैसे कुछ ही लोग बचे हैं और सभी अलग अलग ग्रहों में छुपे हैं। इस कारण मैं यहाँ आया हूँ, क्या मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप ऐसे नहीं रह सकते, सब लोग डर जाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर पास के दीवार में बने फायर ट्रक के फोटो को स्कैन करके वो बिगफुट फायर ट्रक बन जाता है। अरे आपने ये कैसे किया? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, धीरे धीरे तुमको सब पता चल जाएगा, चलो बैठो घर चलते हैं। फिर दोनों घर चले जाते हैं और घर जाके वो छोटा हो जाता है। सुरेश इन सब से बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था जो उसके साथ रहता और उससे बातें करता था। एक दिन, चलो सुरेश आज तुम्हारे गांव को घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए घर में रहते हुए। ऐसा करके दोनों गांव घूमने निकलते हैं और गज्जू के घर के पास से निकलते हैं। तभी उनको गज्जू देख लेता है। वो कहता है, अरे ये कौन सा फायर ट्रक है, बहुत अच्छा लग रहा है, पता करो ये किसका फायर ट्रक है। मालिक आपको पता नहीं ये किसका है? अबे नहीं जानता तभी तो पूछ रहा हूँ। मालिक वह सुरेश है ना, सुना है वो उसी का है, सुना है बहुत जादुई फायर ट्रक है, वो बात भी कर सकता है और उसका साइज बड़ा छोटा भी हो सकता है। अच्छा तो ऐसा अनोखा फायर ट्रक मेरे पास क्यों नहीं है और तू मुझे अभी बता रहा है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। गज्जू दूसरे दिन सुरेश के पास जाता है और कहता है, अरे सुरेश मुझे तेरा बिगफुट फायर ट्रक चाहिए, तुम बस कीमत बोलो। भैया आपके पास तो दुनिया भर की गाड़ियां है, आपको ये क्यों चाहिए? मुझे ये भी चाहिए, तू बस अपना पैसा बोल, नहीं तो तू सोच लेना। नहीं भैया मैं इसे नहीं बेच सकता, ये मेरा दोस्त है, कुछ कुछ चीजों की कीमत नहीं हो पाती ना भैया। ठीक है अच्छी बात है। ऐसा कह के वो गुस्से से चला जाता है और घर जाकर अपने चमचों से कहता है, ये साला सुरेश अपने आप को समझता क्या है, अरे तुम लोग रात को जाकर उसके ट्रक को जला देना। ऐसा सुनकर गज्जू के आदमी उसी रात बिगफुट फायर ट्रक को जलाने जाते हैं और जैसे ही वो उसे आग जलाने लगते हैं, फायर ट्रक उनको ही आग लगा देता है और वो भागते भागते वापस गज्जू के पास पहुंचते हैं और अपने ऊपर पानी डाल लेते हैं। मालिक मालिक वो बहुत ही खतरनाक ट्रक है, जैसे ही हम उसको आग जलाने लगे वो हमको ही आग लगा दिया मालिक। अच्छा वो ऐसे तो काम नहीं करेगा, एक काम करो तुम सभी लड़कों को इकट्ठा करो, कल उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। दूसरे दिन सुरेश और फायर ट्रक गांव के बाहर घूमते रहते हैं। तभी उनको गज्जू और उसके सभी चमचे गाड़ियों से उसे घेर लेते हैं। क्यों रे सुरेश तू समझता क्या है अपने आप को, अब देख तेरा क्या हाल होता है। ये सुनकर सुरेश रोबोट से कहता है, भाई अब क्या होगा, ये लोग तो सभी तरफ से हमें घेर चुके हैं। तो चिंता मत कर बस देखता जा। फिर सभी लोग अपने अपने गाड़ियों के तोहफों से हमला करना चालू कर देते हैं। बहुत देर तक हमला करने के बाद भी उस फायर ट्रक को कुछ नहीं होता। बस हो गया तुम लोगों का, अब मेरी बारी। फिर फायर ट्रक बहुत बड़ा फायर ट्रक में बदल जाता है जिसके पूरे बॉडी में आग जलते रहती है।
और उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर निकलता है और एक एक कर सभी गाड़ियों को उड़ाते जाता है और ब्लास्ट होते जाता है। सभी लोग वहां से जान बचा के भागने लगते हैं और फायर ट्रक उनका पीछा करता है। हमें माफ कर दो प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर सुरेश फायर ट्रक से कहता है, भाई इनको माफ कर दो, इनको इनके किए की सजा मिल चुकी है, अब चलो हम चलते हैं। मैं सुरेश के कहने पर तुमको माफ कर रहा हूँ, अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो देख लेना। ऐसा बोल फायर ट्रक वहां से चला जाता है। गज्जू गुस्से में कहता है, इसने तो सभी गाड़ियों को बर्बाद कर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी तो ये बस शुरुआत है। इधर घर पहुंच के फायर ट्रक सुरेश से कहता है, सुरेश मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मुझे तेरा साथ अच्छा लगता है और मुझे नहीं लगता कि वो गज्जू इतने जल्दी सुधरने वाला है। इस तरह सुरेश और फायर ट्रक दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गांव में बुधिया नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही तेज दिमाग का था। वह कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता, कहीं से कुछ कबाड़, कहीं से कुछ भी जोड़ तोड़ कर नए नए मशीन बनाता रहता था। कभी चलता तो कभी नहीं चलता। बुधिया के इसी हरकतों के कारण गांव वाले और घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। कभी पूरे गांव की बिजली चली जाती तो कभी बहुत नुकसान हो जाता। एक दिन वह घर में किसी के बाइक को बना रहा था, तभी उसके पिता ने कहा, अरे तू फिर क्या कर रहा है, अरे किसकी गाड़ी उठा लाया? ओहो पिताजी, ये मेरे दोस्त कल्लू का बाइक है, ये खराब हो गया था और स्पीड भी नहीं चल रहा था, इसी कारण इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। सत्यानाश हो तेरा कल्लू, तुझे कोई और नहीं मिला गाड़ी ठीक कराने के लिए? हे भगवान, ये नहीं सुधरने वाला, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। आप टेंशन मत लो ना पिताजी, देखो कैसे मैं इस बाइक को सुपर बाइक बनाता हूँ। पता नहीं तू क्या बनाएगा, मैं ये सोच कर डर रहा हूँ। फिर वो अपने सर पटकते चले जाते हैं। इधर बुधिया बाइक को सुपर बाइक बनाने लगता है। दूसरे दिन बुधिया का दोस्त उससे मिलने आता है। अरे बुधिया क्या कर रहा है? अरे राम राम, आ मैं तेरे ही बाइक पे काम कर रहा हूँ, बस काम पूरा हो गया है, चल इसका टेस्ट राइड लेते हैं। फिर वो दोनों बाइक लेकर घर के बाहर आते हैं और बाइक पे बैठते हैं। जैसे ही बाइक चालू करके एक्सीलेटर देते हैं वो फुल स्पीड में चलने लगता है। कैसा है बाइक? एक नंबर। उस दूर जाने के बाद बाइक से टक टक करके आवाज आती है। यह आवाज कैसी है? पता नहीं भाई। और तुरंत ही बाइक के दोनों चक्के निकल जाते हैं और वो दोनों बाइक के साथ घसीटते हुए पेड़ से जाके टकराते हैं। हे भगवान, मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई, हाय रे। तुझे अपनी बाइक देना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, मुझे लोगों ने मना किया फिर भी मैंने तुझे दिया, आज के बाद तू मेरे और मेरे बाइक से 100 कदम दूर रहना। पर सुन तो सही। पर कुछ नहीं, ऐसा बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी बुधिया अपने आदत से लाचार अपना तिगड़मबाजी चालू रखता है। उसे कोई भी नया मशीन दिखाई देता उसे वह कॉपी करने की कोशिश करता। एक दिन बुधिया गांव के ट्रांसफार्मर में चढ़ गया, तभी गांव वालों ने उसे देख लिया। अरे बुधिया तू वहां क्या कर रहा है? काका मैं ट्रांसफार्मर में एक ऐसा मशीन लगा रहा हूँ जिससे पूरे गांव में फ्री बिजली आएगी। हे भगवान, आज फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। कुछ देर बाद बुधिया को जोर से झटका लगता है और वह धड़ाम से गिर जाता है और पूरे गांव की बिजली चली जाती है। अरे मेरी कमर टूट गई रे, अरे बाप रे। लोग उसे गिरा देखकर बहुत हंसते हैं। फिर गांव वाले गुस्से में आते हैं। अरे मूर्ख, तेरे चक्कर में पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई है। ऐसा बोलकर पूरे गांव वाले गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव के लोगों के हेल्प करने के लिए शहर से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम आती है और बुधिया दूर से देख रहा होता है। हेलीकॉप्टर देखकर बुधिया फिर सोचता है, अब मैं भी इसे बनाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा।
दूसरे दिन बुधिया इधर उधर की सामान इकट्ठा करना चालू करता है। एक जगह उसे ऑटो का इंजन मिला तो उसे ले आया और बैठने के लिए घर का चेयर लगा दिया। और हेलीकॉप्टर का अच्छा फैन नहीं मिला इसीलिए घर का सीलिंग फैन लगा दिया। इतने में उसके पिताजी देख लिए। तू फिर क्या कर रहा है? मैं तो परेशान हो गया हूं इस लड़के से। पिताजी, जैसे हमारे गांव में हेलीकॉप्टर आया था ना, वैसे ही बना रहा हूं। फिर मैं भी लोगों की मदद करूंगा। पहले खुद की तो मदद कर ले, फिर लोगों की करना। बड़ा आया मदद करने वाला। ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। बुधिया हेलीकॉप्टर बनाने के बाद अपने घर के बाहर पोस्टर लगाता है और पोस्टर में लिख देता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो संपर्क करें, बुधिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। तभी एक दिन एक आदमी आता है। अरे बुधिया भाई, मेरे घर के सामने एक ट्रक पलट गया है, क्या तुम उसे उठा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो हेलीकॉप्टर में, अभी वायल डाल के आता हूँ। अरे भाई, ये तो किरोसिन का डब्बा है। डब्बा किरोसिन का है लेकिन उसके अंदर पेट्रोल है, तुम बैठो यार। उसके बाद दोनों अंदर बैठते हैं और बुधिया हेलीकॉप्टर चालू करता है। भाई, धक्का लगाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं भूल गया था, इसमें तो ऑटो का इंजन लगा है, अभी चालू हो जाएगा। देख, चालू हो गया ना। वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। तभी उस आदमी की नजर हेलीकॉप्टर के फैन पर पड़ती है। अरे ये क्या, इसमें तो घर का फैन लगा है। चुप कर, ये तुझे पता है कि इसमें घर का फैन लगा है? मुझे पता है कि घर का फैन है, पर हेलीकॉप्टर को नहीं पता ना। भाई तू महान है, तू पुरुष नहीं महापुरुष है। नीचे सभी गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। देखो देखो कैसे लोग देख रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर की फैन हिलने लगती है। भाई ये क्या हो रहा है? तू चिंता मत कर, बस चुपचाप बैठो। इतने में पीछे का फैन निकल कर गिर जाता है। अरे ये तुमको पता है कि पीछे का फैन निकल गया है? मुझे पता है कि निकल गया है, पर हेलीकॉप्टर को नहीं पता ना। वो आदमी बहुत डर जाता है। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग जाती है और वे दोनों घूमते घूमते नीचे गिरने लगते हैं। और वो पेड़ में टकरा के पेड़ में ही अटक जाते हैं। इसके बाद दोनों नीचे आके गिरते हैं। इतने में सभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं और उनको उठाते हैं। अरे बुधिया, तुम बहुत ही होनहार लड़के हो, तुम किसी भी मशीन को बस देखकर बहुत अच्छा नकल करते हो, लेकिन ये सब बनाने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है बेटे। मैं तुमको पढ़ाई के लिए शहर भेजता हूँ, तुम वहाँ अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छा इंजीनियर बनना, फिर बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाना और गांव का नाम रोशन करना। बुधिया सरपंच को नमस्कार करता है और दूसरे दिन सरपंच उसे शहर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं।